क्लीन साइंस के स्टॉक के बारे में, क्लीन साइंस के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली स्टॉक ने यहाँ पर रिकवर करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर स्टॉक अपने इस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 1.69% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, अगर यहाँ से स्टॉक में अभी और गिरावट आती है तो यहाँ से भी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 1333 का वेला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 1299, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 1281 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 1240 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट स्टेप और सपोर्ट। भाई यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से अब रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 1396 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1442, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 1498 और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन 1563, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 1663 एंड देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में 1763 एंड देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में 1800 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट स्टॉप पर रजिस्टेंस। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।